बच्चों इस प्रकार से कारकों की जो प्रकृति होती है ये जीनोटाइप कहलाती है, और इनसे जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप। तो एक और टर्मिनोलॉजी है जो अभी हमको समझनी है कि हम जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कह रहे हैं। जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप। अब इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि बैंगनी फूल वाले पौधे और सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच में जब संकरण करवाया था तब पहली पीढ़ी में हमें सभी पौधे कैसे दिखाई दे रहे थे, बैंगनी फूल वाले पौधे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो जो हमको दिखाई दे रहे लक्षण बाह्य रूप से कैसे दिखाई दे रहे थे, बैंगनी फूल वाले पौधे दिखाई दे रहे, तो ये जो बाह्य रूप से लक्षण दिखाई देते हैं ये कहलाता है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। लेकिन अगर हम इनके जीन्स की बात करें, इनकी जीनीय संरचना की बात करें या इनके कारक की बात करें, ठीक है सभी एक ही है, तो कारक अगर आप देखेंगे बैंगनी फूल वाले पौधे की जो पहली पीढ़ी में प्राप्त हुए थे वो क्या थे, कैपिटल वी और स्मॉल वी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल वी और स्मॉल वी है इनके कारक हमको दिखाई दे रहे, जिसमें कि सफ़ेद फूल वाले कारक भी मौजूद है लेकिन पहली पीढ़ी में बाह्य रूप से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनमें वो जीन्स तो मौजूद है। तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है कैपिटल वी और स्मॉल वी कारक, यही कहलाता है जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप मतलब कारकों का समूह, ये कारकों का समूह हो गया ना कैपिटल वी और स्मॉल वी, कारकों का समूह जिनसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ये हो गया जीनोटाइप। अब फिनोटाइप किसे कहेंगे, जब हमको बैंगनी फूल वाले पौधे दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या हो गया फिनोटाइप, मतलब बाहर से हम देख के बताएंगे कि हाँ ये बैंगनी फूल वाले पौधे हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में भी अंतर पूछा जाता है परीक्षा में, तो इनके बीच में भी आपको तीन चार अंतर मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या, तो बच्चों इस प्रकार से कारकों की जो प्रकृति होती है ये जीनोटाइप कहलाती है, और इनसे जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिनोटाइप। तो एक और टर्मिनोलॉजी है जो अभी हमको समझनी है कि हम जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कह रहे हैं। जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप। अब इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि बैंगनी फूल वाले पौधे और सफ़ेद फूल वाले पौधों के बीच में जब संकरण करवाया था तब पहली पीढ़ी में हमें सभी पौधे कैसे दिखाई दे रहे थे, बैंगनी फूल वाले पौधे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो जो हमको दिखाई दे रहे लक्षण बाह्य रूप से कैसे दिखाई दे रहे थे, बैंगनी फूल वाले पौधे दिखाई दे रहे, तो ये जो बाह्य रूप से लक्षण दिखाई देते हैं ये कहलाता है फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। लेकिन अगर हम इनके जीन्स की बात करें, इनकी जीनीय संरचना की बात करें या इनके कारक की बात करें, ठीक है सभी एक ही है, तो कारक अगर आप देखेंगे बैंगनी फूल वाले पौधे की जो पहली पीढ़ी में प्राप्त हुए थे वो क्या थे, कैपिटल वी और स्मॉल वी। ठीक है, तो ये जो कैपिटल वी और स्मॉल वी है इनके कारक हमको दिखाई दे रहे, जिसमें कि सफ़ेद फूल वाले कारक भी मौजूद है लेकिन पहली पीढ़ी में बाह्य रूप से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनमें वो जीन्स तो मौजूद है। तो ये जो हमको दिखाई दे रहा है कैपिटल वी और स्मॉल वी कारक, यही कहलाता है जीनोटाइप। ठीक है, तो जीनोटाइप मतलब कारकों का समूह, ये कारकों का समूह हो गया ना कैपिटल वी और स्मॉल वी, कारकों का समूह जिनसे लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ये हो गया जीनोटाइप। अब फिनोटाइप किसे कहेंगे, जब हमको बैंगनी फूल वाले पौधे दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या हो गया फिनोटाइप, मतलब बाहर से हम देख के बताएंगे कि हाँ ये बैंगनी फूल वाले पौधे हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में भी अंतर पूछा जाता है परीक्षा में, तो इनके बीच में भी आपको तीन चार अंतर मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर है। जीनोटाइप ये जीनीय संरचना को व्यक्त करता है, फिनोटाइप जो होता है ये विभिन्न गुणों को, विभिन्न लक्षणों को, जैसे कि आकार, रंग, स्वभाव, इनको प्रदर्शित करता है। जीनोटाइप के बारे में हम किस आधार पर बता सकते हैं, जब हम उनके जीवों के पूर्वज या संतति
के संरचना को देखेंगे तब हम बता पाएंगे कि हाँ ये जीनोटाइप इसका ऐसा है। फिनोटाइप को हम कैसे बता पाएंगे? जब बाह्य रूप से हम उनको देखेंगे तब हम बता देंगे कि हाँ ये ऐसा है। तो ये क्या होगा? फिनोटाइप। अब जीनोटाइप में जो लक्षण होते हैं ये उम्र के साथ नहीं बदलते, जबकि फिनोटाइप में जो लक्षण होते हैं ये उम्र के साथ बदलते रहते हैं। जीनोटाइप ये वंशांगत लक्षण को दर्शाता है, जबकि फिनोटाइप जो होते हैं ये अवंशांगत लक्षण को दर्शाता है। तो इस प्रकार से जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर आपको याद करना है। बच्चों अब हम कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे कि जीन या एलील या विपर्यायी किसे कह रहे हैं। जॉहनसन ने पहली बार सन 1909 में विविधता संबंधित अध्ययन में जीन शब्द को प्रस्तावित किया था और उन्होंने बताया था कि जीन युग्मक गैमेट या उनके मेल से बनी कोशिका में पाए जाने वाले कारकों की इकाई है। अब मेंडल में हम अभी मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्होंने कारक शब्द का इस्तेमाल किया था कि लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए एक जोड़ी कारक होते हैं, जैसे बैंगनी फूल वाले पौधे में जो कारक है वो कैपिटल वीवी है, ऐसे सफ़ेद फूल वाले में स्मॉल वीवी है। तो लक्षण को प्रदर्शित करने के लिए इन्होंने कारक शब्द का यूज़ किया था और बाद में आगे जाकर कारक की जगह जीन शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तो जीन क्या है, हमको समझना है कि जीन एक्चुअल में क्या है। तो दो नंबर के लिए प्रश्न आ सकता है जीन के बारे में। तो बच्चों कोशिका की संरचना आपने 9th में अच्छे से पढ़ी है और कोशिका के अंदर में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जिसमें एक कोशिकांग होता है केंद्रक। अब इस केंद्रक के अंदर में धागेनुमा संरचना होती है, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है और जब कोशिका का विभाजन होता है तब ये जो गुणसूत्र होते हैं इनके अंदर में जो डीएनए होता है, ठीक है, गुणसूत्र में जो डीएनए पाए जाते हैं, इन डीएनए क्या है, आनुवंशिक इकाई है। इस डीएनए का एक हिस्सा या डीएनए का जो हिस्सा है जो प्रोटीन का निर्माण करता है या प्रोटीन बनाता है वही कहलाता है जीन। मतलब डीएनए में एक ऐसा हिस्सा है, मान लिया जाए ये हिस्सा है डीएनए का, जो क्या कर रहा है, प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। तो ये जो प्रोटीन का निर्माण कर रहा है ये हिस्सा क्या कहलाएगा, जीन। कुछ ऐसे प्रोटीन बना रहा होगा जो पर्टिकुलर लक्षण को प्रदर्शित कर रहा होगा, ठीक है, जैसे कि बालों का रंग है, आँखों का रंग है, त्वचा का रंग है, ऐसे प्रोटीन उस पर्टिकुलर डीएनए में बन रहे होंगे, उसी को हम कह रहे हैं जीन, ठीक है। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं और इन लक्षणों को जो प्रदर्शित, ये जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं ये इन जीन के कारण ही होते हैं, इसके लिए जीन ही उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो एक लक्षण के लिए एक जोड़ी कारक जिन्हें हम कहते हैं जीन। जैसे कि हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि बैंगनी फूल वाले पौधे, ये एक लक्षण हो गया, ठीक है, फूलों का रंग एक लक्षण हो गया, बैंगनी फूल वाले पौधे और सफ़ेद फूल वाले पौधे। तो इनके बीच में जब संकरण कराया गया तो पहली पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त हुए थे और उनके जो कारक है हमने देखे थे पहली पीढ़ी में जो कारक थे वो कैसे थे, कैपिटल वी और स्मॉल वी। तो ये क्या हुआ, ये जीन जनक से संतान में पहुंचा, ये कारक जनक से संतान में पहुंचा, तो ये जीन जो पहुंचा है, ठीक है, तो कैपिटल वी स्मॉल वी जो एक कारक जोड़े के रूप में उपस्थित है ये है जीन्स। तो कैपिटल वी जो हुआ एक एलील हुआ और स्मॉल वी जो हुआ ये दूसरा एलील हुआ, ठीक है। तो एलील मतलब जिसको हम कहते हैं वी पर्यायी या युग्म विकल्पी। तो जोड़े के प्रत्येक कारक एक दूसरे के क्या होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं या एक दूसरे के एलील होते हैं, ठीक है। तो एलील भी क्या है, जीन का ही एक रूप है, एलील भी जीन का ही एक रूप है जिसको हम कहते हैं विपर्याय या युग्म विकल्पी, ठीक है। विपरीत लक्षणों से युक्त युग्मक को हम क्या कहते हैं, एलील या युग्म विकल्पी। तो इसको हम एलील को और भी उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए डीएनए का एक सेगमेंट है जिसमें आँखों के रंग के लिए जीन उपस्थित है,
अभी आंखों के रंग के जो जीन हैं, या तो इसमें दो कौन से कारक उपस्थित हो सकते हैं आंखों के रंग के लिए? ऐसे प्रोटीन बना रहे होंगे जो नीले रंग का प्रोटीन का निर्माण कर रहे होंगे, जो आंखों का रंग नीला दे सकता है, या ऐसे प्रोटीन का निर्माण कर रहे होंगे जो भूरे रंग के आंखों के लिए उत्तरदायी होंगे। तो मान लिया जाए नीले रंग का कारक वहाँ पर उपस्थित है या एलील उपस्थित है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल बी, और कैपिटल बी मतलब भूरे रंग के लिए उत्तरदायी है। तो ये जो कैपिटल बी और स्मॉल बी हुए, ये क्या है? ये एलील है, ठीक है, और इन दोनों के मिलने से ही क्या बन गया है? एक जीन। तो आप समझ गए होंगे कि जोड़े के प्रत्येक कारक जो होते हैं एक दूसरे के विपर्यायी या एलील कहलाते हैं। अब बच्चों, मेंडल ने बहुत सारे लक्षणों को ध्यान में रखते हुए, विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखते हुए पौधों के बीच में संकरण कराया था, और उनसे जो प्राप्त पौधे हुए थे उन्हें कहा गया था संकर पौधे। अब ये जो संकरण होता है ये दो प्रकार का है, एक है एकल संकर संकरण, जिसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा है द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल सकल संकरण किसे कहते हैं। तो ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना और एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाना है। तो बच्चों, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है, तब वो संकरण एकल सकर संकरण कहलाता है। अब एक जोड़ी विपरीत लक्षण मतलब एक लक्षण ले लिया, जैसे कि लंबाई। अब ये लंबाई लक्षण में जो दो विपरीत लक्षण हैं, या तो पौधे लंबे पौधे ले लिए और दूसरे जो लिए बौने पौधे ले लिए, तो ये दोनों विपरीत लक्षण हो गए, लंबे पौधे और बौने पौधे। तो लंबे पौधे को जो कारक लंबे पौधे को प्रदर्शित करते हैं, इनको कैपिटल TT के द्वारा दर्शाया गया, और ऐसे ही बौने पौधे को स्मॉल TT के द्वारा दर्शाया गया, ठीक है। तो क्योंकि हम जोड़े में ले रहे हैं, क्योंकि कोशिका में प्रत्येक लक्षण युग्म में या जोड़ों में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम कैपिटल TT और यहाँ पर स्मॉल TT ले रहे हैं। जब लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में परागण हुआ, तब पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वे कैसे पौधे प्राप्त हुए? सभी पौधे लंबे थे, ठीक है। तो मटर के पौधे जो कि लंबे और बौने पौधों के बीच में परागण कराया, तो पहली पीढ़ी में जो संतति पौधे प्राप्त हुए सभी पौधे कैसे थे? लंबे पौधे थे। अब यहाँ पर कौन से कारक पहुँचे? यहाँ पर देखिए, एक कैपिटल T आया, क्योंकि मेंडल ने बताया था और अनुमान लगाया था कि जनक पौधों से एक कारक संतति में पहुंचता है, तो यहाँ पर एक कारक कैपिटल T आया और दूसरा कारक स्मॉल T आया, तो यहाँ पर बन गया कैपिटल T और स्मॉल T। तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे दिख रहे? लंबे दिख रहे, जबकि यहाँ पर बौने पौधे का कारक भी मौजूद है। तो कैपिटल T हो गया प्रभावी कारक और स्मॉल T हो गया अप्रभावी कारक, क्योंकि प्रभावी कारक ने अपना प्रभाव दिखाया, अपने लक्षण को प्रकट किया, अभिव्यक्त किया, इसलिए सभी पौधे कैसे निकले? लंबे पौधे निकले। अब जब इन लंबे पौधों का स्वपरागण हुआ, मतलब स्वपरागण की क्रिया जब हुई, मतलब कैपिटल T स्मॉल T का कैपिटल T स्मॉल T से संकरण कराया गया, तब द्वितीय पीढ़ी में देखिए कैसे पौधे प्राप्त हुए। तो आप इसको चेकर बोर्ड में करके देखिए, कैपिटल T स्मॉल T कैपिटल T स्मॉल T, तो क्या बनेगा? कैपिटल T का पहले दोनों कैपिटल T और स्मॉल T से आप क्रॉस कराइए, फिर स्मॉल T का दोनों कैपिटल T और स्मॉल T से क्रॉस कराइए, तो देखिए ऐसे आएगा कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल T कैपिटल T स्मॉल T और स्मॉल T स्मॉल T। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? जब हम देखेंगे तो 25% पौधे जो है ये लंबे पौधे हैं, जिसमें शुद्ध लंबे पौधे के कारक उपस्थित है, मतलब कैपिटल T। ऐसे ही 25%
बौने पौधे के कारक उपस्थित है स्मॉल टीटी जो कि अप्रभावी है। उसके बाद 50% पौधे ऐसे मिले जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों कारक उपस्थित है, तब ये पौधे जो है ये संकर पौधे हैं कहलाएंगे। ठीक है, तो 50% 25 और 25, 50% पौधे कैसे मिले, संकर पौधे मिले। तब यहाँ पर आप, अब आपको बताना है कि यहाँ पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक अनुपात बताना है और जीनोटिपिक अनुपात। अब फिनोटिपिक अनुपात हम कैसे बताएंगे, जब पौधों को हम देखेंगे बाह्य रूप से कैसे दिख रहे पौधे, तो आप देख रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये प्रभावी कारक है, मतलब सभी पौधे कैसे है, लंबे हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी टी वाले पौधे तो लंबे होंगे ही, साथ ही कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधे जो कि संकर पौधे हैं ये भी लंबे पौधे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पौधे भी कैसे है, लंबे पौधे हैं, क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है। तो ये जितने भी पौधे हमको दिख रहे हैं ये सभी कैसे, लंबे पौधे। सिर्फ बौने पौधे कौन से होंगे, 25% पौधे ही बौने होंगे जो होंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि इनमें अप्रभावी कारक मौजूद है। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, फिनोटिपिक अनुपात क्या होगा यहाँ पर, 3:1, मतलब 75% हो गए। ठीक है, 25 और 75% और उधर हो गए 25, तो इसका अनुपात क्या आएगा, 3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। अब जीनोटिपिक रेशियो देखिए क्या होगा, तो इसके लिए हमको जीनीय संरचना को देखना होगा, इनके जीन्स को देखना होगा कैसे, इनके कारक को देखना होगा कैसे। तो आप देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, ये एक जैसे हैं, मतलब समयुग्मक है ये। ठीक है, ऐसे ही स्मॉल टी भी क्या है, समयुग्मज, और कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या है, विषमयुग्मजी। मतलब कैपिटल टी एक जैसे हो गए, स्मॉल टी एक जैसे हो गए, और बीच के जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये एक जैसे हो गए। तो इनका जो अनुपात आएगा, मतलब 25, 50 और 25%, इसका अनुपात आएगा 1:2:1। ये किसके आधार पर बता रहे हैं हम, इनमें उपस्थित जीन्स के आधार पर, जीनीय संरचना के आधार पर हम बता रहे हैं। तो ये जो रेशियो आएगा, ये जो अनुपात आएगा, ये होगा जीनोटिपिक रेशियो, जो आएगा 1:2:1, एक लंबे पौधे, 2 संकर पौधे, 1 लंबे बौने पौधे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक एकल संकरण क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो भी मालूम होना चाहिए और फिनोटिपिक रेशियो भी मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं द्विसंकर क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस की। अब द्विसंकर मतलब आपको समझ में ही आ रहा है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तब हम उसे कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। अब यहाँ पर क्या किया मेंडल ने, दो विपरीत गुणों वाले दो जोड़ी लक्षणों को लिया। तो उन्होंने कौन सा लक्षण लिया था, एक लक्षण लिया था उन्होंने मटर के जो बीज होते हैं उनके रंग का और उनके आकार का। ठीक है, तो मटर के जो बीज होते हैं गोल भी होते हैं और झुर्रीदार भी होते हैं, और ऐसे मटर के जो बीज होते हैं ये हरे रंग के भी होते हैं और पीले रंग के भी होते हैं। ऐसे पौधों के बीच में उन्होंने संकरण कराया था। तो दो विपरीत लक्षणों को उन्होंने लिया यहाँ पर, दो जोड़ी। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होगा, गोल पीले एक लक्षण हो गया और झुर्रीदार हरे दूसरा लक्षण हो गया। तो गोल पीले, क्योंकि एक लक्षणों को हम कारक के एक जोड़े से दर्शाते, तो गोल को हम लिखेंगे कैपिटल RR से और पीले को हम लिखेंगे कैपिटल YY से। ठीक है, ऐसे ही झुर्रीदार हरे, अब यहाँ पर कैपिटल ले रहे तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। ठीक है, ये भी शुद्ध लक्षण है। तो झुर्रीदार को हम लिख रहे हैं स्मॉल RR और हरे को लिख रहे हैं स्मॉल YY। तो जब इनके बीच में परागण हुआ तो पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए
उनमें जो जीन्स उपस्थित थे, कारक उपस्थित थे, वो कुछ इस प्रकार से होंगे। ठीक है, क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई में से एक कैपिटल आर आएगा और एक कैपिटल वाई आएगा। ऐसे ही स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई से एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई। तो अब इनके मिलने से क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो पहली पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए, वे पौधे थे गोल और पीले, क्योंकि गोल और पीले जो कारक वहाँ पर मौजूद थे वे प्रभावी कारक थे, इसलिए पहली पीढ़ी में गोल और पीले पौधे प्राप्त हुए। अब क्या हुआ? गोल और पीले पौधे का, गोल और पीले पौधे से स्वपरागण कराया गया, संकरण कराया गया। अब देखिए दूसरी पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त होंगे, तो यहाँ पर आप चेकर बोर्ड से इसको हम बना के देखेंगे। तो पहली पीढ़ी में पौधों के बीच में स्वपरागण कराने पर द्वितीय पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होंगे, इसको हम चेकर बोर्ड में आप जब ऐसे बनाएंगे तो जो यहाँ पर युग्मक बन रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, और आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से गैमेट बनेंगे, तब एक अनुप्राप्त प्राप्त होगा हमें द्वितीय पीढ़ी में। तो यहाँ पर देखिए कि पहली पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए थे वो है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनका कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, वाई से जब स्वपरागण होगा तो इसके आप गैमेट्स निकालिए, युग्मक निकालिए, तो आप एक को ले लीजिए कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनका देखिए कैपिटल आर का कैपिटल वाई के साथ एक गैमेट बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ऐसे ही कैपिटल आर, स्मॉल वाई बनेगा, ऐसे ही बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो सेम युग्मक का एक तरफ आप लिखेंगे चेकर बोर्ड के, और सेम युग्मक को आप एक तरफ लिखेंगे, दूसरे तरफ लिखेंगे चेकर बोर्ड में, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इनका आप क्रॉस कराएंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे देखें कि कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई से कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ऐसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई का आप कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई से तो क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इस कैपिटल आर वाई का जब स्मॉल आर और कैपिटल वाई से कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर और कैपिटल वाई का स्मॉल आर, स्मॉल वाई से जब क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ऐसे आप सबका करके देखेंगे। तो जब सबका करके देखने के बाद हमको ये देखना है कि हमको किस प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। तो आप देखेंगे कि अगर कैपिटल आर कहीं पे दर्शा रहा है या कैपिटल वाई दर्शा रहा है तो वो पौधे कैसे हो जाएंगे? कैपिटल आर मतलब गोल, राउंड, है ना, और कैपिटल वाई मतलब पीले, मतलब येलो। ठीक है, तो गोल और पीले जो पौधे प्राप्त होंगे जिसमें प्रभावी गुण कैपिटल आर और वाई जहाँ पर भी उपस्थित होगा वो गोल और पीले होंगे। तो जब आप इस चेकर बोर्ड में देखेंगे तो हमको मिलेंगे गोल और पीले का जो अनुपात प्राप्त होगा वो होगा 9। ठीक है, उसके बाद गोल और हरे। अब गोल और हरे कैसे होंगे? गोल के लिए कैपिटल आर होगा और हरे के लिए क्या है? स्मॉल आर, वाई। ठीक है, हरे के लिए जो कारक है वो है स्मॉल वाई। तो हमको देखना है कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ऐसे गोल और हरे कितने प्राप्त हो रहे। तो जब आप अनुपात निकालेंगे तो ये 3 आएगा। ठीक है, तो गोल पीले हो गए 9, गोल हरे हुए 3। ऐसे ही झुर्रेदार पीले। अब झुर्रेदार पीले मतलब झुर्रेदार के लिए जो जिससे हम दर्शा रहे थे झुर्रेदार को, वो था स्मॉल आर और पीले को कैपिटल वाई। तो आप देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई का जो रेशो आएगा, जो अनुपात आएगा वो होगा 3। ऐसे ही झुर्रेदार हरे मतलब स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये आएगा 1 के रेशो में। तो जो फिनोटिपिक अनुपात निकलेगा वो होगा 9:3:3:1। ठीक है, तो
बाह्य रूप से जो लक्षण प्रदर्शित हो रहे, जो पौधे बाह्य रूप से दिखाई दे रहे थे, वो कैसे दिखाई दे रहे थे? जो पौधे प्राप्त हुए थे द्वितीय पीढ़ी में, गोल पीले बीज वाले 9 पौधे प्राप्त हुए थे, गोल हरे बीज वाले 3 के अनुपात में, झुर्रेदार पीले 3 के अनुपात में और झुर्रेदार हरे 1 अनुपात में। इस प्रकार से जो रेशो आया था वो आया था 9:3:3:1। तो ये जो क्रॉस होता है इसको हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अब इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो जीनोटिपिक रेशियो जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, 1:2:1:2:2:4:1:1:2:1। ये होता है इसका जीनोटिपिक रेशियो।